मतलब तुहाडे कहण दा मकसद है कि मुसलमानां दी सिखां दी आपस दे बिल्कुल इस तरह दा कोई फर्क ही नहीं सी, कोई फर्क ही नहीं सी, भरावां वांग रहे बिल्कुल। भरावां नाल मैं ना भरावां दे वगे भरा भी झगड़ पैंदे ने, लेकिन इत्थे कोई झगड़ा नहीं सी बिल्कुल किसी किस्म दा। वो सारे कीमे सन, कीमे सन, असीं भी कीमे सां। ठीक है साडा अगर अज भी हुण भी मैं इह गल ना फखर दे नाल उन्हां जो कोई सिख आ जाए कोई सरदार आ जाए मेरा तो उन्हां दा ब्लड टेस्ट करो एक निकलेगा सही। मैनू इस गल की मैनू भी उस दिन बड़ी तकलीफ होया सी जो बीबी मेरे खिला के ना खलोती नहीं कर आई नहीं मेरे को, नहीं तो बिल्कुल वो ढील जाती सही गल मैंने बड़ी तकलीफ हुई थी। साढ़े पिंड उन्होंने जान तो पहला चंद दिन बल्कि 10 दिन कह लो 15 दिन असी हर चौक के जिन्हें आ चौक सन मुसलमानों के या सिखा ने उन्होंने एक सिखा का बंदा तो एक मुसलमान का बंदा बस उठे हथियार लैके खलोते होंगे सन रात को हथियार लैके। अच्छा उदो हथियार भी आ जाके बलमा कुहाड़ियाँ सन बंदूकों शूपा घट सन है तो भाई कोई बाहरों आके हमलावर ना होए सही उन्होंने टॉपस वास्ते भी बाहरों ना को आवे एक खलोते हुए सन हर चौक के एक एक मुसलमान तो एक एक नाल सिख। इतने मैं ना असी खुद जाके अपने गड्ढे उन्होंने गड्ढे साढ़े भी गड्ढे सन सारे के असा अपने गड्ढिया तो उन्होंने समान लद्या समान लद के साढ़े जिन्ने वडेरे आए सन वह सारे गड्ढिया के नाल गए चक झुमरे चक चुमरा उसे कैंप लगाया सी। ठीक है इतने उस कैंप के भी जाके इन्होंने छड़ के आए सने समान आप ही जाके नाल छड़ के आए। उस वक्त ये सी भी रौला पे 5-7 दिन या 10 दिन का अच्छा असा वापस आ जाना वापस आना है। उस वे उन्होंने जेन च ये गल सी जो फिर गए झुमरे गए उतों पता लगा भी दुनिया के पैदल नसी जाती है पी इतों जिन्हें सिख सन होर पिंडा के तो जा रहे हैं। फिर उन्होंने कोशिश की गड्डी मंजूर कराने की इतों जाना ही पैना इतने नहीं रहा जाना गए वो 5-7 दिन वास्ते ना इतने वो अपना माल डंगर हादसा सारे सपुर्द करके गए सन। अच्छा लो जी तुम इन्होंने पट्ठे टट्ठे पाओ साड़ी फसल ही वट के पाओ साढ़े आने तक है तो असी 5-10 दिन आए जो पूर्व थोड़े हो जाते हालात ठीक हो जाते तो अस आ जाना वो तो गए इस लेन ना सन। अगों फिर जाकर उन्होंने पता लगा भी नहीं साढ़ा इतों खत्म हो गया दाना पानी। पंजाबी लहर वेख रहे सारे श्रोतियां नूं बहुत सारा सलाम ते प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली और हसबे मामूल हमेशा दी तरह पंजाब दी सांझ पंजाब दे रंग और पंजाब दियां माणमत्तियां शख्सियतां नूं लैके इस वेले असीं बैठे हां जी चक जुमरा दे विच। साडे नाल ने एक मौजूद बजुर्ग जिन्हां ने अन्न वंडिया पंजाब वेख्या वो पंजाब जिहदे च सारे लोग बिना किसी भेदभाव तो हर धर्म जिहड़ा है वो आपस दे विच बड़े ही प्यार मुहब्बत नाल रहिंदा सी। लेकिन कुछ ही दिनां दी जिहड़ी नफरत सी वो एक बहुत ही लंबी देर चली और वो नफरत अज भी साढ़े दिलों के पाई जाती है और इस नफरत को दूर रख के जिहड़ियां पुरानियां सांझां ने उन्हां बारे गलबात करी दी है और उही गलबात लैके इस वेले साडे नाल मौजूद ने एक बजुर्ग। असी बैठे हैं चक चुमरा दे एक पिंड जिला लायलपुर दे विच। आओ बाबा जी नाल गलबात दी सांझ करते हैं। बाबा जी की हाल चाल ने, ठीक हो? सब ठीक है, तबीयत से ठीक जी। नाम की तुहाडा? मोहम्मद सलीम चीमा। मोहम्मद सलीम चीमा। वल्द चौधरी बरकत अली। अच्छा, वल्द चौधरी बरकत अली। दादाजी का नाम याद? नवाब खान। नवाब खान। अच्छा बुजुर्गो, इस वेले आपां जिथे बैठे हैं इस पिंड दा की नाम? सौ वाला चक नंबर 132 आरबी तहसील चक चुमरा जिला फैसलाबाद। अच्छा तुसीं इत्थे दे वसिंदे हो कि उधरों आए हो? नहीं, वसिंदे आं जी, इत्थे दे वसिंदे हो। ठीक है, तो इस पिंड के लागे लागे पिंडा के नाम का पता? केड़े केड़े पिंड ने? कमालपुर, कटरा 2 ने छोटी और वड्डी। अच्छा, पहाड़ंग। अच्छा, बलौलपुर, दूजा बचूआना, होर नाल कन्नसान वगैरह मीतर आलियाँ सारे पिंड ये चीमिया के पिंड ने। चीमिया जो मैं दसना पे कमालपुर मीतर आलियाँ ये चीमिया के पिंड ने, सारे चीमिया के पिंड। अच्छा, तुहाडी उम्र हुण कितनी हैगी है? मेरा ख्याल कोई 70-78 साल है। 70-78 साल। जो पंजाब वंडिया गया, पार्टीशन हुई, उदों वेले तुहाडी कितनी उम्र सी? 13-14 साल। फिर तुसी 88 साल दे होएगे। हां जो 88 हो गए। हां 87-88 साल दे। और मैं 6वीं ਚ ਪੜਦਾ ਸਾਂ। 6वीं ਚ ਪੜਦੇ ਸੀ। 6वीं ਪੜਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ 5वीं ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾ 5वीं ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੰਗ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 5वीं ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 6वीं ਚ ਸਹੀ ਅਗਾ 10वीं ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10वीं ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है तो तुसी ओथे जांदे सी पहाड़न? हाँ जी हाँ जी। नाल तुहाडे बच्चे पढ़दे सीगे? बिल्कुल सिख बच्चे या हिंदू पढ़दे सन। जिन्हें मैं नाम उदा लेंदा भी रहा तुहाडे सामने मैं। हाँ हाँ उन्हें नाम लेंदा भी रहा। किहड़े-किहड़े बच्चे तुहाडे नाल पढ़दे सी? एक अमरीक सिंह सी। अमरीक सिंह असीं उहनूं अमरीका ने हाँ तो अंज उहदा नाम चलो अमरीक सिंह होना। अच्छा एक मजाक दी गल है भई साडे घर दे नाल ही घर सी उहदा अमरीक दा। ओदे पिता दा नाम याद? हाँ जी की नाम सी ओदा? ओदा नाम सी मैया सिंह। ठीक है बहुत वड्डा जवान सी। थोड़ा जा मजहबी जिवें हुंदा ना ओदे बंदा कि जदों साडा ते उहनां दा मरबा भी नालों नाल सी। अच्छा इकट्ठे हन विच सड़क सी इस पासे साडा सी इस पासे उहनां दा सी। ते ओह जदों लवले दा जानो ना धारा कढण वास्ते दे रहे अपने। अच्छा तुसीं शायद उहनूं की गुटका आंदे सी कि ओह हत्थ च रख के ना बलटोई सिर ते पढ़ता जाता हूँ। पढ़ते जाते असं आना है अपना मजहबी तौर पर पढ़ा। अच्छा वो ना अमरीक सिंह जिन्होंने अमरीका आने सी सी दादी। अच्छा उदों हाथे सन 2-2 कनाल के। अगले सिरे के मकान होंगे सन तो पिछले सिरे तो गाड़ी मोटर लगे होने ड्योड़ी श्योड़ी होनी। मैं जाके उन्होंने वार मारनी वो अमरीकिया ओदी दादी ने घरों चल पैना। अच्छा उन्हें हौली हौली करके बाहर दरवाजे से आना मैनू आके आखना भाई हैवे अमरीक सिंह आख्या कर। हाँ अच्छा अगर दादी सी ना वो। हाँ जी हाँ जी अमरीक सिंह आख्या कर। मैं चलो गल मुक्की आगा वास्ते ना अमरीक सिंह ही आखांगे। मैं किट्ठे जे बाहर निकल गया कोडा के टाणा में फिर जाके आवाज मारनी वो अमरीकिया वो बेचारी ने फिर उठो चल पैना। मजाक की गल है ना बचपन के असी छोटे सां वो भी छोटा सी नाल इक्को इस तरह। फिर होर किहड़ा मुंडा पढ़दा सी तुहाडे? होर एक रघवंत सिंह। अच्छा जिन्हां दी बीबी उधर आई सी ना पोतरी। हाँ 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 उन्हां दे विचों सी मैं उधर सारिआं दा नाम ही विच लिया सी। अच्छा एक वो सी एक ब्राह्मण सी वो ब्राह्मण ने घर पलिआ सी। अच्छा ते वाहवा तगड़ा हो के ना 12-14 साल दा कोई खोरे किसी बीबी ने कोई सुखना सुखी होनी है कि मैं रब लटका डे मैं ब्राह्मण कर देंगे। अच्छा वो फिर उदों अजे कोई साल को पहला आया ही सी। अच्छा अजी सारे ने मैनू ना नहीं होता यार तो उन्होंने आते ही ब्राह्मण सा घर दे भी ब्राह्मण ही आते सन तो बाहर दे भी ब्राह्मण ही आते सन। उदों बीबी दसदी सी पे असीं अजे भी उन्हें ब्राह्मण ही आने इंडिया अजे भी ब्राह्मण ही आने बल्कि मैनू उहदा नां नहीं यार क्यों असीं बोलदे ब्राह्मण ही समझदे। अच्छा ते होर बंद सिंह एक सुखदेव सिंह सी गुरम सिंह दा पोतरा सी। सुखदेव सिंह गुरमत सिंह दा पोतरा ओहदा घर इत्थे करके सी। ओह सन एक कलवंत सिंह। हाँ उन्हें कट्टा उन्हें बलाका सिंह का पुत्र सी। अच्छा वो इस तरह करके। अच्छा सारे उस्ताद मोहतरम जो तारे टीचर सन। हाँ जी हाँ सिख सन कि मुसलमान सन? भी सिख एक सिख सी बिशन सिंह। अच्छा वो ऐसे पिंड का साढ़े पिंड साढ़े नाल ही जाना आई कट्ठे नाल ही आने दा मदरा जा कर सी ओहदा। अच्छा तो बस बेचारा इस तरह एवें सी ते दूजे कुछ मुसलमान सन नाल दे पिंडां दे भी। एक हुंदा सी सिख सूरज सिंह। अच्छा वो असीं उत्थे स्कूले पढ़दे हुंदे सां ते एक बाद आ गया एक तमाशे जे बखाण वाला हेडमास्टर को पुछ के ना शेख सरकार दा हेडमास्टर ने बड़ा जवाबदार हेडमास्टर सी उहदे को पुछ के ना समझाया पिया सारे पिंड नूं इकट्ठा सारे स्कूल नूं इकट्ठा करके ना वो कई अपने करतब बखाण ते जे वो जिवें हुंदे ने। अच्छा वो मुंडियां दा फिर कम हुंदा ना आगा आउणा। सूरज सिंह ने ना उन्होंने थोड़ा धक्का मार दिता। वो मुंडा भी एडा बड़ा सी उन्हें ना ये ना वेखा मेरे सारे उन्हें आ चपेट मारी उन्होंने। अच्छा उस सूरज सिंह ने। अच्छा वो रहना होंगे इतने साढ़े पिंड ही सी तो है वो किसी बाहरले पिंडों आया सी तो इतने। अच्छा रहना होंगे सी तो वो फिर वो भी तगड़े करता सी। अच्छा ये भी तगड़े वो भी तगड़े करता वो इन्हें रौला रवा पाया इन्हें आखा पे इन मुंडे ने स्कूलों काट दो इंज तो होवे वो उस वे स्कूलों निकल गया। वो दूजे दिन त्रीजे दिन वो फिर आ गया फिर वो इतों तबादला करा के ना फिर चला गया सूरज सिंह जरा सी। सही तो बल्कि उन्हें कोई ये नहीं पे कोई मजहबी तौर पर कोई गल नहीं वैसे बच्चों की वैसे जो बच्चों की गल होंगी। अच्छा बुजुर्गो इस पिंड दे विच 132 चक साहोवाल जो पिंड है ये विच सिख लोग किन्ने उन्हां दे घर सी ते मुसलमानां दे हिंदुआं दे किन्ने घर सी? मुसलमानां दे तकरीबन सिखां दी जिस ना रकबा जमीन वो 60 तो ज़्यादा सी। अच्छा वो इस वास्ते साडी जमीन जी है ना ये एक एक मरबा फी घर। अच्छा उन्होंने भी 4-5 जोड़े ने वो सही सरदार सन। अच्छा उन्हें तो सारे आने ने अभी सरदार हाँ लेकिन वो सही जिमें सरदार नहीं होंगे वो सही सरदार सन 4-5-6 घर सन। अच्छा उन्होंने 5-5 मरबे जमीन से की नाम से उन्होंने नाम याद है? हाँ एक तो सरदार ईशर सिंह बहुत बड़ा सरदार सी वो। अच्छा बहुत बड़ा सरदार सी उन्होंने बाहरले पिंडों ने जमीन रकबा खरीदया सी। एक और जगह बीबी जो नाम भी लेंदी सी कि सरदार केसर सिंह ये दोवें चाचे भरा सन समझो एक वो सी और कोई विचार मरबे सी ये कोई विचार जो मैं हरिंदर पुलर वालियां दा तुहानूं वीडियो जी दी दादी दी विखाई है उन्होंने केसर की गल कर दे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक वो सी एक सरदार गुरम सिंह हो गया दो वो भरा सन ते एक कपूर सिंह बड़ा पिंड दा नंबरदार कौन सी? नंबरदार एक तो सी अतर सिंह। अच्छा और इत्थे करके कर सी ते वो दरम्याना जब बंदा सी कोई सरदार सरूर नहीं सी सरदार होर सन सरदारा ने कोल ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਨ 4-5 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆੜੇ ਹਨ ਮਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਰਕਬ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਬਾ ਨੰਬਰ ना और शब्देव सिंह से और हराम का नंबर एक से पूरे पिंड में। अच्छा हराम बुरा कम भावें मैं हो जाए या तुसी हो जाओ कोई हो जाए हर हो सकता अगर हर पिंड चंगे बंदे तो बंदे होंगे ही ने चंगे भी होंगे ने बंदे भी होंगे लेकिन जे कोई इहो जिहा बंदा सी ना वो थले का टापा सी और सरदार सन वो नहीं सरदार बहुत अच्छे बहुत नेक बड़े चंगे उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ भी कोई आया था वो किसी सामने नहीं आए हालांकि कारो सब ही सकते सन इस हद तक कारो सब ही सकते सन लेकिन बिल्कुल एक बंदा उन्होंने सामने आया सी वो फिर तरलोक सिंह वाला नाम सी तरलोक सिंह उन्होंने बुरा ही आखना चाहिए उन्होंने तगड़े बंदियां ने गल पैना सी। अच्छा जिन्हें सरदार सन उन्होंने तुहीन करना से जिथे मिल पैना उत्थे अगे ये। अच्छा भी यही मैं एक होर गल दसना वो मैं नहीं वेख्या मैं वो सारिया गल्लां सुनिया ने जो कुछ है ने क्यों मेरे तो पहला वो बंदा कतल हो चुकिया। हाँ जी कतल हो गया। अच्छा कतल पूरे पिंड ने रल के किया मुसलमाना और सिखा। अच्छा हाँ जी पूरे पिंड ने क्यों इस वास्ते वो बद काम करता सी एक सरदार नूं को मिल पैना जिथे मर्जी वो तुहीन करनी उन्होंने कई कुछ करना तो होना वो कितने तगड़ा आदमी वो कुछ भी नहीं उन्होंने मुकाबले थे। इस वास्ते फिर वो एक वाकया जो होया कि गए साने 3-4 सरदार तहसीलदार आए थे तो वो राह उन्होंने मिल पाया उन्होंने जिमें कि मैं गल सुनी ही है मैं वो चश्मदीद नहीं सुनी है उन्होंने अगे डक के खड़ो गया वो भले मानस शहीद बने सन उन्होंने आखो उन्होंने आखे पे आखो मैं थोड़ा जवाई हाँ ते वो ना बेचारे की आखन भले मानस तो शरीफ आदमी के बडेरे बंदे अखीर जिमें आओ जान छुड़ा के ते आ गए पिंड वो खड़े आख के या ना आख के पिंड आ के फिर उन्हें कट कुट किया सारे पिंड का मुसलमानों का भी तो सरदारा का भी सारे का भाई साढ़े ना आप ही होंदा जे पिया देख लो तो यह हल दसो सारे फिर हल उठे यही आख्या पे कटल बिल्कुल फिर सारे मुसलमाना जाके रल के ना जाके कटल किया रड़ी दिते। अच्छा कटल कर दिता मतलब तुहाडे कहण दा मकसद है कि मुसलमानां दी सिखां दी आपस बिल्कुल इस तरह सन कोई फर्क ही नहीं भरावां वांग रहे बिल्कुल भरावां मैं ना भरावां दे गए भरा भी झगड़ पैंदे ने लेकिन इत्थे कोई झगड़ा नहीं बिल्कुल किसी किस्म दा। एक बार झगड़ा होया सी वो भी उन्हां दी मैंने जहांगीर जी समझ लो उन्होंने डक लिया इस तरह करके एक मेरा ताया सी चौधरी दौलत अली अच्छा वो सारिया ना वह याद है मशहूर मरूफ बंदा सी अच्छा वो सिखा ने कि मुंडिया ने ना पिंड झटका कर दिता अच्छा उन्हें भी लग गया पता उन्हें फिर उस वे और विहले च होंगे शेख ढोल मारन वाला उन्हें उन्होंने सद्या उन्हें आख्या भी ढोल मार सिखा ने सारे घर ने माले उन्होंने आख भी चौधरी दौलत अली ने गांठ आई है जे किसी छानी है तो आके छा ले ये ना मगरों आखन भी सानू पता नहीं लगा वो वाकया उन्हें ढोल मारिया सारे पिंड उन्हें अपना एक नौकर घल के डेरे तो गां मंगा ली ए चौंक च गां ढा ली लैके छुरी खिलो गया उन्हें आख्या ओडा कोई नहीं डकना अच्छा वो बंदियां का पता होंदा सी बंदा पिछा हटना इन्हें कि नहीं हटना उन्हें पता है भी इन्हें नहीं पिछा हटना अच्छा इन्हें मुड़ना नहीं उन्हें सारे कट्ठे होके एक बाजवा सी सिख ओनू चाचा आना उन्हें अखीर ओनू सद्या की नाम से वह ना सी और लड़के जो अमृत सिंह अच्छा और नाम जेल चो निकल गया याद से बड़े चंगे साढ़े डेरे नाल डेरा से अच्छा कट्ठे सन सारे दौलत अली का साडा तो उन्हों का डेरा जोड़ा हूँ मरजिया का वो डेरा से तो उन्होंने सद्या वो आके सारे सिखा ने फैसला उस सुटिया पे तू तू बचा लड़ाई मेरे देखो एक पास मुसलमान एक पास झगड़े वाली गल लेकिन उन्होंने दानिशमंदी वेख लो उन्होंने अगे ला के आख्या फैसला कर जो कहेंगे सानू मंजूर होएगा वो आ गया आके बाबे दौलत अली को लगा आखन भी तू मैंने चाचा आना है बिल्कुल मैं आना वा मेरे आखे ला के गाने उठा दे लेकिन मैं तो इन्ना एक वादा करना वा जिन्ना चिर भी इतने पिंड आबाद रहेगा इतने झटका नहीं होएगा भाई की प्यो अच्छा तो ना इतने एक गाय हलाल होएगी ये फैसला मेरा ये जिन्ना चिर पिंड रहेगा ना चलता रहेगा वो वाकया वो जो 18 या 20 साल मगरों रहे ने ना ये काम फिर नहीं होया बिल्कुल नहीं होया ना मुसलमाना की बकरे कीते ने वो साड़ी हर ईद तो करने हूँ भी करने ने ईद साड़ी आनी है करने कुरबानी है साडा मजहबी त्यौहार है तुहाडा बिल्कुल हिंदुओं का कोई घर है ऐसी चाहते का खतरी खुतरी जिमें होंगे ना वो ऐसा दुकाना उन्हें लोगों पाई हैं मुसलमान कदों पाते हैं कोई भी अच्छा ना सिख आप ही पाते हैं ना मुसलमान पाते हैं वो खतरी जोड़े ना वो ही पाते हैं सिखा भी लुटते हैं मुसलमानों भी लुटते सीधी गल अच्छा कभी 47 तो पहले वैसे तुसीं दसता कि आपस में बड़ा वसेब सी कभी 47 तो पहले इदा तो नहीं होया कि मजहबी कोई गल हो यार तू सिख है या तू मुसलमान है जिस तरह अजकल होंदा है चीज़ा सानू आम मिलदियां ने बिल्कुल उदों तक सानू पता ही नहीं सी कि तू सिख है तो मैं मुसलमान हाँ इस तरह ही भरावां वांगना कट्ठे डेरन जाना कट्ठे ही आना जाना घर च आड़े है ना बहुत छोटे सिख बड़ी मजहबी है वो अच्छा। थोड़े ऐसा भी हट जाते बल्कि जो वे सरदार सन ना जो साढ़े कोई ईद शीद होंगी सी ना उदों पता सी अह कुरबानियां करनिया ने अच्छा वो सही गल जो आके घर सुना दे जाने साढ़े घर भी कल गोश्त कर कोई इधे मतलब कि वो उन्होंने अमृत बिना कोई गल नहीं सी असी इस तरह मतलब कि आपे च वसते दसते सब अच्छा ये कोई छोटे हैं ना डेडे मरबे वाले मालक वो कही मैं जिम्मे अगे मैया सिंह दसिया मैया सिंह अगे मेरे जेन से निकल ना मैया सिंह जी मरीक सिंह ने प्यो का ना अच्छा अच्छा वो जो बंदे मजहबी तौर पर वो आने पे इन्हों तो दूर हो या कोई नहीं तो कठन कोई गल नहीं अच्छा बजुर्गो मतलब कि जोड़े इस तो इलावा सिख रेंदे सी उन्होंने कोई नाम याद आ कोई होर जो तुसीं नाम दसे इस तो इलावा कोई होर भी सिख रहिंदे सी नाम बड़ियां दे दसो कौन रहिंदे सारे पिंड नाल तकरीबन याद ने एक मंगल सिंह हो गया बड़ा वो डेरा वे वो करके वह घर है अच्छा तो अटल सिंह अगे मैं नंबरदार दसिया ना एक वो सी एक बलाका सिंह एक खड़क सिंह तो अगे एक कपूर सिंह अगे फूला सिंह अगे बख्शा सिंह वह भरा सी भुला सिंह का तो दूजे और उदन दो मैं दसे हैं उन्होंने और दादे और लड़की वो मैं दसे हैं उन्हें सारे दलीप सिंह उन्होंने घर चाह सी जरा दलीप सिंह शहीदिया सी उन्हें उन्होंने घर इत्थे करके सी ते ओह जेहड़े सन उस गली दे विच जिथे उदन गए सन ओह उठ करके सी भाई शायद उन्होंने किते कोई दूरों नेड़ों ढलदा होवे ते ढलदा होवे पर का मैनू उस गल दा नहीं पता पई। अच्छा बुजुर्गो एक परिवार इसे पिंड तो शहीद जिहड़ा होया सी जिहदी आपां गल कर रहे हां उन्हां दा जिहड़ा सी तुसीं ज़ाहर आ कि उन्हां दा जन्म साका 1921 दे विच शहीद होए सन ते तुसीं ते चलो ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤਿਹਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੇ ਆ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਟ ਆ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਧਰਨਾ उठे तो ग्रंथ साहब जोड़े ने वह लिया के उन्हें उत्ते धरने ओड़ा होंगे ही भाई गुरुद्वारे या उन्हें लै के बह जाना अं तो मौलवी मियाँ ने ना मस्जिद वाले ने भाई गुरुद्वारे ने लेना उन्होंने उस वे उन्हें लै के बह जाना तो हर चौक के गड्ढे ना अगे ढगे नहीं चुपते और अगे बंदे चुपते सन। अच्छा की गड्ढा इस बड़ा पा के एंच हो क्योंकि ग्रंथ साहब भी उत्ते पे होंदा सी ते उहदे खलो के सारे होर तुहाडे को हुंदे ने ढाडीए जिन्हां हत्थे विच फड़े ने चैने छूने थोड़ा वो भी नाल उत्ते ढाडीए के उहनूं इह आंदे ने सन ते ओह उत्थे होणे ते वो भी उत्ते बैठे होने तो उन्हां भी ओह वजांदियां फिरना डगाउंदियां फिरना ते नाल ओहड़ा होना सी तुहाडा ओह भाई गुरुद्वारिया उन्हें ग्रंथ साहब नाले पढ़ना और तर्जमा कर करके सिखा दसना ए चौंक चो इतों फिर उन्हें आपे सिखा ने चुकना उन्होंने गड्ढे टिकी जाना टिकी अगले चौक ही ला जाना फिर उत्थे जाके झटके ला के तकरीर होनी है उन्होंने तकरीर होके फिर अगले चौक हर चौक में जिन्हें मतलब कि और अगला बाजार है ना ये परले पासे हम सारे सिख इस पास अभी मुसलमान समझने उस फिर उस पास सारे हर चौक के ना उन्हें फेरना फिरना सारा दिन वो इस वास्ते जिमें असी ईद मनाने इस तरह भी वो दिन जड़ा गुरपुरब गुरपुरब मनाते हैं तो वो मनाते सन। अच्छा ये बिल्कुल हाँ वेख्या ना ये तो उदों असीं तगड़े था बाबा उदों वेख्या गड्ढे नूं खिचदे ते सारे जुपे अकीतन अपना बंदे समझना कि असीं बड़ा नेक काम ते अच्छा कर रहे हैं वो इस तरह गल सी सही हो गया। होर मेरा तो वो गड्ढे दे अगे ढगे भी हो सकते हैं सारे काम कर सकते हैं पर लेकिन नहीं उन्हें आप ही खिंच के खड़ना आप ही सही सही। अच्छा बुजुर्गो जिस तरह तुसीं दस्या कि 47 तो पहले तो बिल्कुल सारा ठीक ठाक बिल्कुल ठीक है फिर 47 दे विच इस तरह का की होया कि इतनी वड्डी कत्लो गारत या फिर लोकां नूं अपने पिंड अपना कारोबार छड्डना पिया तुहाडे पिंड ते इहो जिहा कुछ नहीं होया इत्थे इत्थे ते मैं ना असीं खुद जाके अपने गड्ढे उन्होंने भी गड्ढे साढ़े भी गड्ढे सन सारे असा अपने गड्ढिया तो उन्होंने समान लद्या समान लद के साढ़े जिन्हें वडेरे आए सन वो सारे गड्ढिया के नाल गए चक चुमरा उसे कैंप लगाया सी ठीक है इतने उस कैंप के भी जाके इन्होंने छड़ के आए सने समान आप ही जाके नाल छड़ के आए उन्हें फिर वो मंजूरी ली पिछों गौरमेंट को रेलगड्डी की पूरी गड्डी आई तो सारे बच्चे बह के गड्डी गए सन चले गए वो नहीं सारा टोडे पैदल शैदल या कोई मार कटाई हो ही नहीं सी साढ़े ते बिल्कुल मतलब उन्होंने पिंड क्यों छड़ना पिया मतलब कोई किसी का दबाव सी उन्होंने ते कोई हमला हो गया सी बिल्कुल कोई हमला नहीं होया साढ़े पिंड कोई नहीं होया बाहर होंदे रहे ने सारे लेकिन साढ़े पिंड नहीं साढ़े पिंड उन्होंने जान तो पहला चंद दिन बल्कि 10 दिन कह लो 15 दिन असी हर चौक के जिन्हें आ चौक सन मुसलमानों के या सिखा ने उन्होंने एक सिखा का बंदा तो एक मुसलमान का बंदा बस उत्थे हथियार लैके खड़ोते होंगे सन रात को हथियार लैके अच्छा उदों हथियार भी आ जाके बलमा कुहाड़ियां सन बंदूकों शूपा घट सन है तो भाई कोई बाहरों आके हमलावर ना होए सही उन्होंने टफज वास्ते भी बाहरों ना को आवे एक खड़ोते होंगे सन हर चौक के एक मुसलमान तो एक नाल सिख सही साढ़े इतने कोई गल नहीं होई होना पिंडा च इत्थे को एक होर गल भी है सारा पिछले सौ मैं ज़्यादा पिछले सौ वाले होना वा सियालकोट वाले उत्थे भी कोई गल नहीं सी इत्थे भी कोई गल नहीं कुदरती गल है कोई बंदियां दी गल गिन लो या धरतियां दी जमीन दा कोई गल है साढ़े पिंड कोल गुन्ना गोजरा होवे इत्थे सिख सन रोज कटलो गाती थी और कटल हो गया वो हो गया, और तो मगरों ही फरू को जमींदा को असर है कि ये मगरों मुसलमान आए ना हाजरों उन्होंने भी कटल ही दे देना। बिल्कुल बिल्कुल थोड़े लागे एक दो होर लागे तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बिल्कुल उत्थे बंदा दिन नहीं जा सकता। सही सही इत्थे साडे पिंड च काम शुरू तो वो मैं दसदा वहाँ कि इतने तकरीबन चलो खरे कोई 100 साल या 125 साल रह के गए ने जो पिंडों बाद होया। इन्ने चेदे विच एक कतल होया तरलोक सिंह कतल होया। वो दसिया मैं तरलोक सिंह भाई जो तुम दसिया ना भी चंगे पहले सरदारा नहीं आओ तो ही ना करता सी तो वह फिर कतल करता सी सारे पिंड ने कट्ठे हो गए कोई किसी की लड़ाई नहीं हुई किसी का कुछ नहीं होया। वो तो एक फैसला सारे पिंड का हो गया भी बंदे कतल कर दो नहीं मुड़दा सी। एक वो कतल होया एक वोड़ा अगे उमाई के नाल लेनी सी केसर सिंह का एक उन्होंने वड्डा भरा सी ईसर सिंह वोड़ा लड़का छड़का कोई नहीं जमीन सारे पिंड चो वड्डा सरदार हो सी। अच्छा नाले भी गल है वो एक लड़की आई थी बीबी इकबाल कौर बड़ी औरत सी ते जमीन पाना और सियालकोट भी बड़ा सी इत्थे भी सी नाल दे पिंडां च बेवा सी ते उस तो पहला कतल हो चुके आ सी। अच्छा तो जिवें फिर जट कौम हुंदी है शरीका एक दूजे नाल वो सुनी गल है एक ओदी जो आदत बुरी सी ए वो घोड़ी नहीं दे जाना अस तो घोड़ी नहीं आना आने अगों मैं मिल पाया तू मिल पाया उन्हें आखा कुछ बच्चे ना बो कुछ आदत ही मेरा मतलब है तो एक सरदार होना वक्री गल है लेकिन आदत बुरी है ना हर बंदे ने वेखना उन्हें उन्हें कहना वो आना अस दे रहे हो पाया तो अगे एक ईसाई अगे ईसाई खलोता है इतने पिंड कोल आके उन्हें भी उन्हें आखता भाई कुछ बच्चे ना बो वो फिर ईसाई सी उन्हें पिछूड़े की गल जी होंगी बड़ी औखी होंगी है और वो कुहाड़ी फड़ी सी उन्हें आप मारी टाउन ला के परमसर फुड़ी। अच्छा बस इन्ना कुछ होया है वो फिर बाद गल्लां निकलदियां ना भाई जी उस साई ने की मारना सी पिछले मरवाया पिछों इस तरह कर गल्लां आम पे होंदियां ने ना उही केसर सिंह के जो चाचे बाबे सन भाई उन्हें मरवाया आम गल्लां सन लेकिन वक्ती तौर पर साई उन्हें मारा सी। अच्छा उस बीबी इकबाल कौर ने ना परचा नहीं दिता उन्हें आख्या मैंने कि ईसाई ने परचा दिया सरदार ईसर सिंह ने कतल करता ईसाई ने उन्हें परचा नहीं दिता। अच्छा बिल्कुल तो वो जो फिर पार्टीशन हुई है ना दूजे सारे तो झुमरे छड़िया ना टुर गए उदों किसी अपने काम गई सी फैसलाबाद इकबाल कौर। अच्छा उन्होंने उतों पता लगा सौ वाला उठ बैठा उठ के झुमरे आ गया। अच्छा वो उठों ही वाहियाब जो तो हिंदुस्तान गई थी। अच्छा फैसलाबाद तो हिंदुस्तान फैसलाबाद हिंदुस्तान गई थी वाहियाब से हवाई जहाज हाँ जी हवाई जहाज मतलब उस वेले इतना तगड़ा कार सी बिल्कुल मैं दस वो प्यो जरा ना वो वाधू सी। अच्छा हाँ जी अच्छा तो फिर मगर वो भावें धी तो सी ना वो गल चलती सी अदालतों भी डिप्टी कमिश्नर दे ये वो करके बीबी जी भी। अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक होर गल है वो 47 तो मोर जो तुर गई है ना साढ़े ना बड़ा रबता सी। अच्छा इकबाल कौर हाँ जी बहुत ज़्यादा वो 3-4 बारी आई है फिर बाद। अच्छा क्योंकि साढ़े घर ही आई है साढ़े घर ही है असल वो एक दोहतरा हाँ वो गुम हो गया थी 47 तो नहीं वो यार वो कहानी बड़ी लंबी है मैं ना वो फिर दसो जनाब कहानियाँ करके तो आए हैं तुहाडे कोल और यार वो इक्को लड़की छगो इकबाल कौर दी इक्को लड़की सी वो ब्याही गई सी। अच्छा गुरदासपुर पिंड सी चहल बिल्कुल है ना उठो ब्याही गई सी जे ये बहुत बड़ा सरदार सी ना वो भी बहुत बड़े सरदार सन अगले भी जिथे आखिर ब्याही गई सी वो भी तो फिर ओडे ही होने सन ना सरदार वो उठो ब्याही गई सी ते वो जिहड़ा खामा सी ना वो भी कला ही कला सी। अच्छा वो अल्लाह के काम ये घर को बच्चों में होने वाला सी तो मेरा खामद मर गया। सही हो गया क्योंकि मर गया ना तो बच्ची में होने वाला सी लेकिन ये सहुरा जाता सी अजे। अच्छा सहुरा जाता सी तो वो खामन वो मर गया। अच्छा वो नाल शरीक सन वो तो बस को खुश हो गए ये अगे रोड़ा आया सी अट गया मर गया ज़्यादा तो उन्होंने पता सी भी ये भी इन्हें भी बेवा है ये असं जी जट कौम है भावें हुण सिख भावें हुण मुसलमान ये गाना मरना तो मर जान जान दे छंडे बिल्कुल सही। उन्होंने आपे मन उन्हें खुशी मनाई जिस वे वो डिलीवरी के दिन आए तो जो सहुरा सी ना वो लै गया हस्पताल। अच्छा उठे उठे वो घर एक लड़की हो गई। अच्छा पर असी ना वो सहुरा उन्हें एक किता काम नाल ही घर से एक कश्मीरिया का नाल ही मर के लड़की हो गई सी उसे डिलीवरी कराने हस्पताल वो घर लड़का हो गया। अच्छा जी सुनी गल है क्यों मेरी होश में गल पहला नहीं है वो सुनी है ना गल उन्हें फिर वो लड़का ने कश्मीरिया ने अगे भी 5-7 पुत्र आया था। अच्छा उन्हें समझा भी चलो तगड़े घर ही जाना ना पे कोई गल नहीं। फिर कोई आंदा भी 1100 रुपया उस वक्त है कि 11,000 कि उन्हें दे के ना वो सहुरे ने चुक के मुंडा तो ये लड़की के धरता भी दो होए ने। अच्छा उन्हें ना लगा पता ओडे वो शरीक सन गल यही मशहूर हो गई कि जी दो दो होए ने। अच्छा लड़की तो लड़का तो पुराने राज लोगों के खोलन दे। अच्छा अच्छा चलो उठे थोड़ा चिर ही रही हो जो मतलब कि ज़्यादा टोरी प्यो के घर भी बेवा सी वो उतों दोनों लैके तो इतने सहुरे आ गए नानके परिवार आ गए इतने आ गए इतने आई तो वो फिर जड़िया नस्ल होंगे ना जिस किस्म दियाँ वो आने ने ना भाई एक शेर है जिनसा अपनों अपने जहर दसन जो उखड़ी कट छड़िया ने चौलों के मतलब गल है जो मुंजी छड़ी जाती है ना उदों उखड़िया ही छड़े सन तो जो मूंगली पेंदी तो पता फिर लगता भी कि अगे खिला तो कि नहीं खिला सही बुरे चंगे का पता फिर लगता आदतें नस्लों का पता बिल्कुल पता लगता है। वो भाई जड़ा सी ना वो कश्मीरिया का मुंडा वो फिर वो कश्मीरिया वाली आदतां एडो लड़ पाई नूं गुरा मारिया और को खादा और को अज किया वह किया यह काम होया। अच्छा उसमें जदों बाबा तगड़ा हो गया। अच्छा उन्हें फिर आख्या भी जा टुर जा उत्थे जाके बड़ी ज्यादा थी हूँ तेरे ना लगी लगी भी वो ना जो पुत्र जो मन गया मन घटा तो दो होए। इकबाल कौर ने उन्होंने आख्या कि जा तू अपने पिंड टुर जा उत्थे टुर जान इकबाल कौर को अपने प्यो की ज्यादा बेबा सी ये लड़की नूं पालदी रही सही लड़की फिर ने अपने अठी व्याही दोबारा नहीं दोबारा नहीं उदों भी ओड़ा और जी दूसरी कुड़ी सी ठीक ठीक वो तो इकबाल कौर के घर मैं दसिया ना भाई दो बने। हाँ इकबाल कौर वो लड़की जी नहीं। अच्छा इकबाल कौर के घर ठीक ठीक मैं इकबाल कौर की गल सुनानी ठीक ठीक सही हो वो कश्मीरी नहीं तो उन्हें कल छड़िया उठे पिछा जा तू उठे जाके खा पी तेरी जमीन 5-10 रुपये है सी उन्होंने उठे जाते कुड़ी ने इन्हें कोल रखिया अपने पालदी पूलदी दे सही जवान हुई कुड़ी तो इन्हें वो इतने काट चक के हाँ जी है ना हाँ जी काट चक के सरदार सन वो भी बड़े व्डे सन। अच्छा उठे उन्हें लड़की ब्याह सही हो गई बीबी इकबाल को उन्हें लड़की उठे ब्याह सही वो भी रब के काम जोड़ा घर टट्ठा है टट्ठता वो ही है बार बार। हाँ जी वह भी बंदा एक ही सी वो भी मर गया तो अगों वो घर होया मुंडा वो ना रंजीत सिंह वो ना बच्चे देता सर वो वेख्या ना बच्चा इतों पिछड़ चुकी फिर क्यों साढ़े जो बड़े तलक सन है तो साढ़े घर उन्हें लैके आना उन्हें पिछड़ चुके बच्चा भी कोई ऐसा सी कोई खाँदा ही नहीं सी हुंदा उन्हें हाथ से इन्नी रोटी फड़ी उन्हें एक बुरकी खा ला एक बुरी हाथ काटी फिर नीब जानी तरले ही जाना और गल को नहीं सी। अच्छा वो फिर जदों गई है ना बाहर इतों। अच्छा वो फिर जिमें बंदे पा ये कर वो कर करके तो उन्होंने ना वो बच्चा लै लिया। अच्छा भाई सानू मिलना है असा ये करना वो करना है बच्चा लै लिया। अच्छा बाद च फिर इन्हें गई पिछन कितने इन्हें आख्या भी बच्चा तो मर गया उन्हें अगले आख्या भी बच्चा तो मर गया और रंजीत सिंह ने आख्या काट छकिया। हाँ रंजीत सिंह उन्होंने ना नहीं सी रंजीत सिंह बच्चे का नाम रंजीत सिंह। अच्छा उन्हें आख्या मर गया उन्हें आख्या भी कबर बखाओ ये थोड़े जो मेरा ख्याल है कोई बच्चा थोड़े छोटा होवे ना तो कुछ घर जो होंदा सी होंदा नहीं उदों गल है होंदा नहीं पता तो उदों मल के होंदा सी। अच्छा बेन दफन करो उन्हें आख्या दसो वो थोड़ी जि बच्चा सुन अजे भी कितने दफन किया जी उन्हें हमें कोई हेटवेरी नुदा चढ़ा बैठे हमने वो पढ़ के डाबी फॉलन पे चंगा पे उन्हें ना फॉलन ने उन्हें का उठवा दियो ना फॉल के फिर उनके है इंडस्ट्री आप बच्चा दे पाकिस्तान दे उठे फलाने कोल इस तरह करके आखिर की आने व्डिया बना दे यार दोस्त भी व्डे होंगे ने तो इतने फिर जिन्हें व्डे व्डे है सन उन्होंने को लभदी फिरी तो पुछती फिरी इतने इस एक चौधरी साहक सलूनी का सलूनी चाल है उसका वह भी बड़ा व्डा जगीरदार से पिछों साढ़े सौ वाले का ही अच्छा पिछले सौ वाले का तो नाल बले चाक पिंड नाल वगैरह कट्ठे जुड़े ने उसे फिर वो दो तीन बारी ना मैं उन्हें नाल गया वहाँ भी अच्छा इकबाल कौर के नाल मैं गया फैसलाबाद ने जरा GTS जो शहर के पूरा पहला वो नाल कोठी से उस कोठी का थी तीन चार बारी गया जिन्हें फिर वो आई है ना मैं उन्हें नाल जाना रहा अच्छा और को पूछना कितना पूछनी जाती सी बच्चे के बारे जो उन्हें किसी होर वाले पास टोर छड़ना पता रहा तो काफी उन्होंने बेचारी आप ही रह गई थी बाद में सानू भी पता लग गया कि फौत हो गई है मर गई है उठे इकबाल कौर पूरे हो गए लेकिन बच्चा उन्हें नहीं लभा तो बाद फिर सानू पता भी बच्चा उन्होंने को रहा है कि कितने रहा है आलो वो भी बेवकूफ है पत्थर वाला सब कुछ ये भी जड़ा है बच्चे का ही सी ना आहो हाँ जी समझे पर जट्टा ने कौम अड़ी बार भी नहीं कश्मीर का बच्चा था उस बहन चोर ने उठ एक एक इट तक बेची जमीन बेची बाग बेचे अच्छा कोठी बड़ा वड्डा कोठी बनी बहुत वड्डी वो दरवाजे भी ला के बेच चढ़े बाद सुनिया कि कोई शायद नहीं चढ़ी उस बाद मदरसा चलदियाँ शराबा चलदियाँ ये वो अपने जो जिहो जहा है बोलो हो जा अखीर फिर वही गल सही और पट के बैठे नहीं आया ना इन्हें हूँ दिता है उन्हें कहा जाओ उ खा पी बस अज होर करो सवाल अच्छा बजुर्गो जिस तरह तुसीं दस्या मैं फिर उसी गल पहले वाली गल ते आना वा 47 वाली गल तो देखो कोई भी चीज़ हक सच की कमाई नाल जिहड़ा बंदा कमा के बनांदा है उन्होंने फिर छड्डदियां तकलीफ बहुत होंदी है बिल्कुल ठीक है तो वो लोग अपने कारोबार वो खेत खलियाण जिहड़े उन्होंने आप वसाए किदां छड्ड के गए छड़ा किसी के आखे नहीं कोई छड़ा ना उन्हें साढ़े को डरे सन ना किसी होर को डरे सन उन्होंने पता लग गया थी कि ये पाकिस्तान च आ गया तो असी उठे उठ जाना है वो कि वसिया चे थोड़े एक मैं तुम होर गल लगा अज ये वो सारे चीमे सन असी भी चीमे सन ठीक है साडा अगर अज भी हूँ भी मैं ये गल ना फखर दे नाल उन्हें जो कोई सिख आ जाए कोई सरदार आ जाए मेरा तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करो एक निकलेगा सही वो इस वास्ते 5 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां पिछले असी भी सिख ही हाँ सीधी गल है ठीक है असी बाद फिर मुसलमान हो गए लेकिन पिछले ब्लड साढ़ा इको ही है ना मैं पिछले 100 वाले हूँ ना उत्थे कोल ही साढ़े एक टुब्बा जहा बड़ा उच्चा जहा ठीक है उत्थे एक मड़ बने आ मड़ जिमें कि अच्छा मड़ियाँ नहीं आते हैं उन्होंने चलो मड़ आते ने पुरानी गल अच्छा और साढ़े बजुर्ग जोड़े ने वो दसते हैं तो उस मड़ न सिख भी पूजते सन असी भी पूजते सन ठीक क्यों उदों का साडा वडेरा सी जदों असी इको सा इस वास्ते उन्हें दोवें घर जोड़े हैं ना वो पूजने तो पंजाब जिन्हें भी लोग वसते हैं अगर तुम पिछले चल जाओ 5-7 पीढ़ियां तो सारे हिंदू सी हिंदू कोई मुसलमान हो गया हिंदू कोई सिख बन गया सारे एक ही सी हिंदू तो पहला सिख बन गया तो सिखा जो असि मुसलमान निकले सही लेकिन साडा फिर अगर चीमे बन गए बाजवे बन गए दूजे बन गए चौथे बन गए इस वास्ते मैं ना अगर इन्होंने ब्लड चेक किया जाए ना ये तो लै गया तारा सिंह साहब थोड़े मजहब ना कोई उन्हें लै के दिता उन्हें ना कोई गल ना बात सिर्फ गल्लां नाल ही आके प्रचा के चंगे भले बंदियां नूं जिंदगी तो ख्वार कर दिया चंगे भले बंदियां नहीं पूरी कौम नूं तबाह करके रख छड़िया हुण भी रोंदे ने पे देखो सारी उम्र रोंदे रहना ने कारोबार वो खेत खलियान जो लोग छड़ रहे सी पिंड का माहौल की सी क्या मुसलमान वीर ने मतलब वो वेख्या जिवें तुसीं वेख्या कि वो अपना घर छड़ रहे ने अपने गड्डियां उस वक्त जी गल सी ना उन्हां दी उस वक्त ये सी रौला पे 5-7 दिन या 10 दिन का अच्छा असा वापस आना है उस वे उन्होंने जेन च ये गल सी जो फिर गए झुंबड़े गए उतों पता लगा भी दुनिया के पैदल नसी जाती है पी इतों जिन्हें सिख सन होर पिंडा के जा रहे हैं फिर उन्हें कोशिश की गड्डी मंजूर कराने की, इत्थों जाना ही पैना, इत्थे नहीं रहा जाना। नहीं रहा गए वो 50-70 दिनों वास्ते ना इत्थे अपना माल डंगर हाथिया सारे सपोर्ट करके गए सन। अच्छा लो जी तुसीं इन्हां नूं पट्ठे टट्ठे पाओ, साडी फसल ही वट वट के पाओ साडे आने तक। हाँ तो असीं 5-10 दिन चाहे जो पूर्व थोड़े हो जाते हालात ठीक हो जाते तो आ जाना वो तो गए इस दिन ना सन। अगों फिर जाकर पता लगा भी नहीं साडा इत्थों खत्म हो गया दाना पानी, फिर हो गए ने। सही 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 और कोई इत्थे साडे को डरदे नहीं गए जो असी तो उन्हों का तहफुज कर रहे थे। ना तो दसिया ना हर चौक के विच एक मुसलमान एक सिख पहरा देंदे सन वगैरह। मतलब तुसीं 47 दे विच अंदाजा ला लो कि एक सिख एक मुसलमान हर चौक च इकट्ठा खलोता है। बिल्कुल हाँ। फिर ऐसा जो मतलब इंसान सोच के हैरान हो जाता है कि यार 10 लाख लोग बंदे मरे, 10 लाख लोग। बिल्कुल सही गल है, ठीक है। तो उही गलों को लैके असीं तुहाडे कोल पुछदे हां कि बजुर्गों हुण वेला तो हुण 73 वरे हो गए हैं, जिहड़े लोग इत्थों उठ के गए आ वह भी अपनियां जिहड़ियां जड़ां नूं ना उन्हां वाल खिच्चे चले आंदे आ। ते जिहड़े विचारे इत्थे लोकां दे आपां इंटरव्यू करी दी, लोकां बजुर्गां नाल गलबात करी, वह भी विचारे कहंदे ने कोई इस तरह का वसीला बने कि असीं जांदियां अपनी जन्म भौ थां वेख आईए, ठीक है। लेकिन वह ऐसी दरम्यान च लकीर खिंची गई है कि समझ नहीं आती कि लोगों को हो की गया। और बीबी आई थी ना वो नाले गल्लां करती थी मेरे नाल, सुनती नाले अत्थरू घेरदी सी, अत्थरू पूंदी सी। हालांकि उन्हें हालां वेखिया भी नहीं सी, कुछ भी नहीं वेखिया उन्हें वेखिया कुछ भी नहीं सी। नहीं पहला भी वो बच्ची सी ना जो कि मेरे ख्याल पैदा भी नहीं सी होई। वो जो ना लेनी सी हरी सिंह वो कलवंत सिंह उन्होंने चाचे का पुत्र सी। तो मैं हरी सिंह नहीं जानता क्यों कलवंत सिंह उन्होंने छोटा होना है क्यों मेरे नाल पढ़ते जो कलवंत सिंह तो ब्राह्मण पढ़ते सन। वह बाप जोड़ा से वो मेरे नाल नहीं पढ़ता, वो कि छोटा होना उस वे जो मैं नहीं वेखे आ। तो वह हालां गल्लां सुन गई ना वो अथरू घेरदी सी, पूंजी सी। तो नाले वो जो उठने मैनू इस गल की मैनू भी उस दिन बड़ी तकलीफ होया सी जो बीबी मेरे खिलाके ना खलोती नहीं कर आई नहीं मेरे को, नहीं तो बिल्कुल वो ढील जाती। सही गल मैनू बड़ी तकलीफ हुई थी। तकलीफ तो बजुर्गों हुण वेखो जो आप इस गल नूं सोचते हैं कि यार पुराने जमाने जिस तरह तुसीं नाम लै रहे हो एक बंदे दा यार किदां रह रहे होने, मतलब कि कितना प्यार होना कि राती एक सिख नाल एक मुसलमान खलोता है तो एक दूसरे की आपां जिहड़ी है वो कर रहे हैं कि कोई मुसलमान ना आवे या कोई सिख ना आवे, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके अज हालात इस तरह के बने हैं कि पंजाब दे तुसीं हालात का अंदाज़ा ला लो कि वो इत्थे जिहड़े ने वो लोगों का की हाल है। उत्थे चिट्टा मार गई है, ठीक है, इत्थे पानी मार गई, पानी नहीं है, ठीक है। तो वो एक लकीर की वजह तो पंजाब बर्बाद होकर रह गया। अच्छा तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़ी वंड हुई है मुबारक है, पाकिस्तान बनया मुबारक है, अंग्रेज़ों को आज़ादी लैनी सी, हिंदुस्तान बन गया मुबारक है जी, उन्हां वास्ते मुबारक है, ठीक है, बन गया पाकिस्तान। लेकिन जिहड़ी वंड हुई है, जिहड़ी कत्लो गारत हुई है, जिहड़ी दरम्यान दे विच एक लकीर बना छड्डी है, तुहाडे ख्याल नाल ठीक सी? बिल्कुल ही गलत है। इहो तो मैं ना पे और तारा सिंह ने उन्हें आख्या ना सवाल उत्ते कीता भी तू कि वो जो आख्या खालिस्तान बनाना है लैना मैं सवाल किया कि लैना है और कोई तलवार कट कर आना इहदे जोर नाल बस उस इहदे जोर जिहड़ा ना उन्हें कत्लो गारत सारी कराई है। एक लीडर आखे भी तलवार के जोर नाल लैना है तो इसलिए तो सिख कौम अगे मैं इन्होंने लड़ाके ने सीधी गल है वो तो अगे ही हो जाए तो सारे हैं बिल्कुल सारे हैं। तो यो गल तारा सिंह लै गया ना कोई लै के दिता तो ना गल तो ना बात। अच्छा एक गल यार दस मैनूं ये एक सच तो अलग की गल है। बिल्कुल एक था मैं पढ़ी ये गल तो ये तारा सिंह ही ना ये सिख नहीं सी, ये हिंदू सी। एक साजिश के तहत हिंदू ने तो अंग्रेज़ ने रल के उन्हें सिख बनाया सी। एक था मैं पढ़िया बहुता नहीं। देखो बुजुर्गो यह गल तो हकीकत है, बेशक बहुत सारे लोग मेरे नाल इस चीज़ नाल वो ना भी करन कि जे पंजाब इकट्ठा रह जाता ना ये लाहौर की जी राजधानी है ना ये राज करना और राज इतने तक नहीं करना सी, राज बदना सी। क्योंकि जिहड़े आपां पंजाबी आ ना, चाहे वह सिख आ, चाहे मुसलमान आ, चाहे हिंदू आ, ठीक आ, सारे वो खून के पिछों एक आ ना। वह जी गल मैं गल नहीं की उतों कोई सिख फालिया वो खासकर चीमिया का, चलो दूजा का ना सही, दूजा ना रहेगा भावें दूर थोड़ा जहा हो गए, लेकिन चीमिया का जोड़ा ये पंजी छेवीं पीढ़ी च आके बिल्कुल मेरा और ब्लड रहेगा। सही और मैं कह दसिया नहीं भी बन उठे बने हैं मड़ उन्होंने असी पूजते रहे हैं तो वह भी पूजते रहे हैं सारे, वो साडा बडेरा से ना उन्होंने जो साडा भी मजहब। तो वैसे मेरे ख्याल नाल एक इंसान की रब तो इंसान के विचकार एक राह है, वो जो मर्जी तुसीं चुन लो, ठीक है। लेकिन जिहड़ी इंसानियत दी गल्लां तुसीं दसदे हो ना, ये बहुत घट वेखण नूं मिलदियां ने अजकल। अच्छा बजुर्गो, वेला किहड़ा चंगा सी? वो वेला चंगा सी कि अज का वेला चंगा? अज के वेले नहीं छड्डो तुसीं, भावें हुण मैं साडा पाकिस्तान बनिया में मैं इहनूं बुरा नहीं आख सकदा, भावें की पिया होवे बन जू गया, लेकिन वो एक वेला सी बहुत अच्छा। इत्थे शायद तुसां ही मेरा मोबाइल ले लैंदो, वो मेरा ख्याल है शायद तुहाडी को बनी है कि की बनी है कि वो नहीं पंजाब ऐसा करके वे और जो नज़म किसी ने पढ़ी है अगे फिर नाल वीडियो भी आँदी जाती, सब बना जाता है तो आखी जाता है कि वो नहीं पंजाब, जो पंजाब है सी वो पंजाब हुण नहीं, उत्थे भी नहीं होना तो इत्थे भी नहीं। उधर तो लोग जो इतों बेचारे उजड़ के गए हैं, उत्थे भी नहीं बसे, वो तो चले गए बेचारे बाहर। इत्थे तो खुले खेतों च रहंदे सी, वो उत्थे जाके गए ने तो उन्होंने जोगे हो सीगा नहीं तो छड़ छुड़ के बाहर चले गए। अच्छा जिहड़े हुण अपने साहोवाले दे लोग ने जिहड़े अज भी अपने पिंड नूं याद करदे आ, ठीक है, वो चाहे बाहर बैठे आ चाहे इंडिया च बैठे, उन्हां नूं सुनेहा की है? उन्होंने मैं की आख सकना वहाँ सलाम दुआ सलाम तो है ही है ना, वो तो उंज भी हर वे आने पे कोई साडा कोई बंदा ऐसा है वे जिस किसी का तेरे को नंबर होवे फोन शून तो मैनू दे, ठीक है, वो प्यो का ना वो दादे का ना मैं अपने को रबता कराँगा, ये गल को नहीं है तो एक कुदरती गल है। एक मैं तो एक मेरा ताया का लड़का था, असा 2-4 बारी पासपोर्ट भी बनवाए, बड़ी कोशिश की पैसी चली उठे कि वो बीबी बालकौर आँदी सी ना उसे लवानी सी उठे मेरे को एक बार मेरे को उठे कोशिश करते स अगों फिर चकपलाश इंडिया की तो साड़ी फिर कोई ना कोई रुकावट अगे आ जानी, फिर चुप करके बह जाना। आखिर वो गल्लां जरा याद तो आउंदियां ने ना, ये तो गल नहीं ना कोई भी है तो यह वक्री गल वो उठे असीं इत्थे है वक्री गल, लेकिन वो जी दिलों की तांग है ना एक दूसरे को मिलन की वो तो हत्तर तो पूरी नहीं होती बिल्कुल। सही सही इतने फट कर लो इतने सारे माजर आए हैं अच्छी ये गल आखी है ना भी उन्होंने भी वो सारे एहो जे हैं इन्होंने तकलीफ होंगी है फिर सानू जो मार कटाइया तो ये हो आते ने वो इंज तो हो गए उन्हें जिमें मैं तुम दसिया तो असं रेंगे सा कट्ठे तो सानू कोई एक दूजे लोग किसी तकलीफ को नहीं सी, कोई गल ही नहीं सी, बात नहीं सी। तुहानू दसिया ना भी बड़े बड़े वड्डे सरदार साने पिंड बहुत वड्डे सही, लेकिन उन्होंने तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। माजर वाले का कसूर भी नहीं ना, जो जो कुछ इन्हों नाल होया या जिहड़े बेचारे इधरों उठ के गए ने उन्होंने भी होया ना। ये तो एक इतफाक है ना भी साडे पिंडां नूं गड्डी लभ गई, ताकत सी उन्हें मंजूरी ले ली गलती इतों असीं उन्होंने जाके छड्ड के आए आप ही है। उस वेले साडे पिंड दे विच ना चलो सिखों को खरे को थोड़ा बहुत हौसला होएगा, साढ़े मुसलमानों को ना 3 बंदूक एक मेरे वाले को एक साढ़े को भाई गुलाम का डॉक्टर को नहीं लाई सी, एक को लंबर से होना 3 बंदूक सिर्फ या दुनालियाँ ऐसा ने एक दो उस वाले शिकार शूर वालियाँ वो कहने बंदूक ये साढ़े को पक्की बंदूक। अच्छा तो सिखों को भी इस तरह चाहते किसान वो लोड़ ही को नहीं सी, बड़ी गल भी लोड़ नहीं सी सही, वो पता उदों लगा भाई भाई हूँ खरे की हो जाने इतने है तो वो असी बकायदा हथियार बंदूकों लैके जाके उन्हें छड़ के उन्होंने झुमरिया था, फिर कोई गल नहीं इतों असी छड़ के आए अगों उन्हें गौरमेंट को गड्डी ला रही इन्होंने कोई ना होया तो बाहरले पिंड मार्केट आया पुलेर आ पिंड बड़ा आहो पुलेर दे विच बहुत तवाइयां वाकिया है पुलेर दे विच वो एक खूह मैं खूह तो पूरा भरता सी गुड्डियां दे नाल बच्चियां मार मार फिर पुलेर तो अगे खुड़लियां वाला जणा वाला वो पूरी लाइन के उपर बड़ी कथा इस तरह वो बेचारे जो गुरदासपुर तो लोग आए अद्धा गुरदासपुर बेचारा पहले लोगों ने मारता रही कसर कसर जी रावी ने पूरी करती इस तरह हर पासे होया। लेकिन बुजुर्गों ये लोग आम लोगों यह समझ क्यों नहीं आती चाहे वो हिंदू ने चाहे वो सिख ने चाहे मुसलमान ने कि साड़ी आपस में लड़ाई नहीं सी लड़ाई तो साड़ी उन्होंने नाल सी जिहड़े साडे राज करदे सी गोरियां नाल लड़ाई सी लेकिन असीं आपस में लड़ बैठे नहीं ये कोई बंदा एक साजिश की गई ना सानू पाड़न वास्ते एक हिंदू की साजिश हिंदू जिहड़ा वो ना तो सानू चंगा समझदा सी ना तुहानू समझदा सी वो एक साजिश के तहत अंग्रेज नाल रल के उन्हें सानू तुहानू पाड़ दिता पंजाब नूं तो उन्होंने पता सी कि पंजाब बड़ी वड्डी ताकत है पूरा पंजाब जिहड़ा बहुत वड्डी ताकत सी ये साडे सानू ने खत्म कर दिता वंड तो पंजाब की हुई है जी वही वंड बाकी तो सारे सुखी बैठे हैं। चलो बुजुर्गो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे प्यार भरिया गल्लां दा असीं भी कोशिश करांगे कि तुहाडे गल्लां राहीं साहोवाल दे जिहड़े पुराने इत्थों दे वसेंदे लोग सी उन्हां तक यह वीडियो जिहड़ी है गलबात पहुँचाई और इन्हां गल्लां बातों का मकसद किसी जात किसी धर्म किसी मुल्क के खिलाफ कोई गलबात करन नहीं है बल्कि हकीकत तौर पर जो पुरानियां गल्लां सन जो अनवंडे पंजाब दी दास्तान सी और अनवंडे पंजाब तो फिर जिहड़ा पंजाब वंडिया गया जिहड़े एक दो साल दे विच जिहड़े इलैक्शन 1946 होए फिर 1947 के कत्लो गारत हुई दो सालों के मैं समझदा कि पंजाब जिहड़ा है वो 100 साल फिर पीछे चला गया सी और उस तो बाद फिर 73 साल तुसी वेख रहे हो कि दोवां मुल्कां दे विचकार जिहड़ी है वो वक्तन फवक्तन जिहड़ी है जंगां छिड़दियां रहिंदियां ने और इसे ही मुल्क दे जिहड़े लाल ने वो उसी लकीर ते कुर्बान हो जाते हैं। सो अपनी कोशिश जिहड़ी है कि जिहड़े आम लोग ने आम जनता जिहड़ी है जिन्हां दे अंदर एक नफरत है उन्होंने दोवां पासे विखाईदा वा कि दोवां पासे लोकां 'च प्यार भी है। ठीक है साढ़े जो कुछ होया 47 जो वापस नहीं लिया जा सकता लकीर खिंची गई है ठीक है होनी चाहिए है विच दरवाजे होन खिड़कियां होन लोग आ सकन एक दूसरे नाल मिलन एक दूसरे के घर जान ताकि पता लगे सानू भी साड़ी आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है उन्होंने भी इहो जिहे बजुर्ग जिहड़े ने आखिरी पीढ़ियां ने इस तो बाद यह कहानियां सानू किसी ने नहीं दसणियां और ऐसे लाखों कहानियां जिहड़ियां ने ओह असीं जाया कर चुके हैं। सो मैं फिर दोबारा कह रहा साड़ी जिहड़ी वीडियो है इसदा मकसद किसी जात धर्म किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और इस तरह दीयां कहानियां असीं आप जी दे रूबरू करदे हां रवांगे मिलदे हां किसी होर थां किसी होर बजुर्ग की कहानी लैके रब रखा जी।